हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसी सहजवान चटनी। सहजवान चटनी जो आजकल सभी घरों में यूज़ की जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, जिसे हम स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं और जिसे हम बनाने में कई रेसिपीज़ में भी यूज़ करते हैं। सहजवान चटनी बनाएंगे, ये हम बनाएंगे बिना प्रिजर्वेटिव। इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे और इसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सहजवान चटनी के लिए हमने लिए ये साबुत लाल मिर्च। इसको मैंने बीज से तोड़ के इसके अंदर जो बीज होते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। कुछ मिर्च के बीज हमने इसके अंदर ही छोड़ दिए थे, तो जितनी भी हम मिर्ची लेंगे उसमें से आधे बीज हम निकाल देंगे, आधी मिर्च के, और आधे हम छोड़ देंगे, जिससे हमारी जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। अगर हम सारी मिर्ची बीज के साथ लेंगे तो हमारी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, इसलिए हमने सीड्स जो है निकाल दिए हैं। और उसके बाद हमने इसको पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। ये हमारी मिर्च जो है ये बॉईल हो गई है, हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे और इसको जो है हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ताकि हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लें। ये मिर्च जो है हमारी ठंडी हो गई है, हमने इसका सारा पानी जो है निकाल दिया है जिसमें हमने इसको बॉईल किया था। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पैन में हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किया हुआ गार्लिक। इसमें हमें गार्लिक बिल्कुल फाइनली चॉप चाहिए। ये देखिए, आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेट भी करके ले सकते हैं इसको। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ जिंजर, ये भी मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको भी ग्रेट करके ले सकते हैं। हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये अपना चिल्ली पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया है। यहाँ हमने इसमें चिल्ली पेस्ट भी ऐड कर लिया है जो हमने ग्राइंड किया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर और इसको हम 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। हमारी सहजवान चटनी जो है बनके तैयार हो गई है। अब हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे। ये हमारी सहजवान चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।